दिया ना काफी सारे ऐसे ऑफर्स आ रहे थे वेब सीरीज के लिए, तो अभी मैं दो चीजें कर रही हूँ, एक तो ये प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम और एक और है उसमें मैं इंटरव्यूज दूंगी, उसका नाम है फायर द डिजायर विद उपासना सिंह, वो इंटरव्यूज का प्रोग्राम है। क्योंकि सब लोग ये कह रहे हैं कि आजकल जो है वेब सीरीज का जमाना आ गया है और लोग उसी को इंजॉय कर रहे हैं, तो दिनेश जी के साथ मैं ऑलरेडी काम कर चुकी हूँ पहले भी सीरियल में, और मुझे पता है कि टेक्निकली बहुत साउंड है, तो काम का बहुत एक्सपीरियंस है। तो मुझे जो हमारे प्रोड्यूसर साहब हैं ये भी मिले और ये चाहते थे, उन्होंने बोला कि ये रोल मैंने आप ही के लिए सोच के लिखवाया है। और ये सोचने के बाद मैंने जब ये बात मैंने इतने अच्छे से मुझे कहा कि हम लोगों ने और किसी को सोचा ही नहीं उस रोल के लिए, तो मैं इनकी वजह से इस शो में हूँ। और फिर हमारे आर्टिस्ट बहुत अच्छे हैं इस शो में, सारे कॉमेडी के मास्टर हैं, उदय जी हैं, हेमंत पांडे हैं, जयशंकर जी हैं, तो बहुत बहुत अच्छी टीम है। और ये तो जो आपने देखा है ये तो क्योंकि एक इंट्रोडक्शन है शो की, कौन किस तरह का कैरेक्टर है, एक वकील है, मैं हूँ जो कम सुनती हूँ, लेकिन मैं इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि मैं कम सुना, मुझे कम सुनाई देता है, और उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। और मेरे हस्बैंड का रोल प्ले कर रहे हैं हम लोग, फर्स्ट टाइम मैंने इनके साथ काम किया तो मुझे लगा कि क्या कमाल के एक्टर हैं ये, मैंने इनको पहले भी बहुत देखा था लेकिन इनकी टाइमिंग इतनी अच्छी है, इतना मज़ा आया। और हेमंत के साथ भी मैं ऑलरेडी काम कर चुकी हूँ, एक बहुत ही खूबसूरत बहुत ही छोटी सी एक टीम है, मुझे यहाँ काम करना बहुत बहुत अच्छा लगा। मैम वेब प्लेटफॉर्म को कितना एंजॉय कर रहे हैं आप, क्योंकि जो टेलीविजन है उससे ज़्यादा अभी वेब प्लेटफॉर्म पर है, क्योंकि सुनील जी भी अभी वेब प्लेटफॉर्म पर है, शिल्पा शिंदे है, क्या कहना चाहेंगे, कितना एंजॉय कर रहे हैं और क्या डिफरेंस महसूस कर रहे हैं? वो भी मैंने किया जी, और धन्यवाद का शो था तो उसमें भी बहुत मुझे मज़ा आया, वो तो उसके बाद कलर्स में भी आता था शो, मैं इंजॉय कर रही हूँ। क्योंकि मेरे लिए ये नहीं है कि वो वेब सीरीज है या वो टीवी है या फिल्म है, मैं हमेशा अपने काम को एंजॉय करती हूँ, मुझे एक्टिंग करना अच्छा लगता है, मैंने अपनी हॉबी को अपना प्रोफेशन बनाया, तो आज तक मुझे जो भी रोल्स मिलते हैं मुझे उसमें बहुत सेटिस्फेक्शन मिलती है, और मैं कोई भी रोल करती हूँ तो मैं अपनी तरफ से उसे पूरा जस्टिफिकेशन देने की और पूरी अपनी दिनेश जी आपसे क्या अनुभव रहा जो शूट किया आपने और उपासना जी ने शो के, तो क्या कहना चाहेंगे, कितनी बड़ी उपलब्धि आपके लिए और किस तरह से लोग क्या कहना चाहेंगे सर, जो शो आपने डायरेक्ट किया उसके बारे में कैसा अनुभव रहा उपासना जी शो के? मेरा भी 30-35 साल का एक्सपीरियंस इस लाइन में, और काफ़ी काम किया है, अच्छा एक्सपीरियंस था। वेब सीरीज में पहली बार किया, माता जी ने भी हमारे पहली बार वेब सीरीज की, एक्सपीरियंस तो अच्छा था, बढ़िया लगा काम। तो वेब सीरीज की अवधि कम होती है, ड्यूरेशन कम होता है, तो उस ड्यूरेशन में सब कुछ दिखाना कितना बड़ा चैलेंज होता है डायरेक्टर के लिए? दिखाई तो आगे दिखाई तो होता है ना, चैलेंज ही होता है। आप क्या आपको प्रेरित है शौक प्रोड्यूस करने के लिए? स्टोरी लेकर आए और इनको खास हमने उपासना जी के लिए प्लानिंग करके हम लोग लिख रहे थे, और उपासना जी हाँ बोला, दैया सर ने हाँ बोला, मैंने जी ने हाँ बोला, इमीडिएटली हमने हाँ कर दिया, इमीडिएटली शूट कर दिया। सर आपका भी बहुत कमाल था, क्या कहते हैं कैसा अनुभव था शो के दौरान काम करने का? बहुत अच्छा अनुभव था, एक बहुत अच्छी बात है, उपासना जी के साथ पहले भी हमने एक सीरियल किया था तो साथ में था, और स्टेज शो भी हमने साथ में किए, तो इनके साथ काम करने का एक अनुभव पहले से है, और एक टाइमिंग भी हमारी काफ़ी अच्छी है, और जयशंकर जी के साथ मैं पहले ऐसा काम कर रहा हूँ, लेकिन ये कमाल के एक्टर हैं और क्या एक्सप्रेशन देते हैं, और हेमंत जी के साथ पहले काम किया हुआ है, तो ये ऐसा लग ही नहीं रहा था कि हम पहली बार काम कर रहे हैं,
ये टीम पूरी की पूरी वापस से कोई एक नए प्रोजेक्ट पे आई और ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, कहानी बहुत अच्छी है और वेब सीरीज में जिस तरह से आप सभी जानते हैं किस तरह का दिखाया जाता है, लेकिन ये पहली बार साफ सुथरी एक परिवार के साथ देखने वाली कोई कॉमेडी एक सीरियल बना है, सीरीज बनी है, तो बहुत मजेदार है। लेकिन सर आज के दौर में फिल्मों की बात करें, टेलीविजन की बात करें, ऐसे बहुत कम एक्टर्स हैं जो कॉमेडी करते हैं, क्योंकि जो लीड एक्टर है वो कॉमेडी करते हैं, क्या कहते हैं इस बारे में कि कॉमेडियन की कितनी कमी पड़ती है इंडस्ट्री में? एक्चुअली हुआ क्या है कि कॉमेडी इतनी हावी हो गई है धीमे धीमे करके कि जो काम कॉमेडियन का था वो लीड एक्टर ने पकड़ लिया, तो कॉमेडियन बेचारा कहीं किनारे पे आ गए। लेकिन मेरे ख्याल से जो जिनका काम उनको वही करने देना चाहिए, कॉमेडियन को कॉमेडी करने दो, आप व्यू है आप व्यूअर के साथ गाना गाइए, आपकी वो काम ज्यादा शोभा दिखा है, तो ऐसा सर आप बताइए आपको कैसे अनुभव था काम के दौरान, क्या कहना चाहिए शो के बारे में? मेरा तो बहुत अच्छा अनुभव रहा, थोड़ी सी पहले हिचकिचाहट थी क्योंकि मेरे लिए सब नए थे और मैं चाह रहा था कि मतलब उपासना सिंह जी है इतनी बड़ी आर्टिस्ट, इनको देखते आए हैं बहुत सारी फिल्मों में और शोज में, तो एक इच्छा थी कि इनके साथ काम करने का मौका मिलेगा। सर से भी पहली बार हम मिले अजय जी से और हमारे डायरेक्टर जो है दिनेश जी से, और जिस तरह से कॉन्सेप्ट है हमें लाए बताया कि ये कॉमेडी है और करना चाहेंगे आप, मुझे कॉन्सेप्ट बहुत पसंद आया। ज़्यादातर आप देखे होंगे मैं क्राइम पेट्रोल में बहुत फेमस किया है लोगों ने, मुझे उसमें हंसी वाला चीज़ नहीं है क्राइम पेट्रोल या सावधान इंडिया वगैरह, उसमें देखे होंगे जब देखो कहीं मर्डर करवा रहा हूँ कहीं कुछ कर रहा हूँ कैसे, एक बार मुझे जब एक कॉमेडी जैसा एक वो आया तो मुझे अच्छा लगा कि नहीं चलिए ये बहुत अच्छी चीज़ है और थोड़ा सा अच्छे ढंग से किया जाए, और बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छी स्क्रिप्ट लिखी है उन्होंने, आगे भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एपिसोड इसमें आएंगे। मैं कुछ कहना चाहती हूँ कि आज हमारी बहुत ही लड़की है अजीत जी की बेटी अपेक्षा, जिसके नाम अपेक्षा जी का, तो आज उनका बर्थडे है और वो बहुत लकी है इनके लिए, तो हो सकता है हमारे आपने बात करने की कोशिश की, कॉल किया होगा आपने अगर, तो
कुछ उस बारे में शेयर करना? कभी कुछ टाइम तो उसका फोन भी नहीं किसी को उठाया, लेकिन अभी वो आपको वापस आ गया, डेफिनेटली मिलूंगी आपसे। ये तो एक परिवार है हमारा और हम लोगों ने बहुत अच्छा टाइम एक साथ बिताया है। कवि है, बहुत ही टैलेंटेड राइटर है, ऐसा हम भी मानते हैं और हम भी मानने लगे आपकी शायरी सुनने के बाद। बराबर कम टू द पॉइंट, टी सीरीज का अब वेब सीरीज भी हो रहा है, यहाँ पर भी रोशन रोशन गुलफाम होने वाला है, सब सबके लोग सब लोग अपने टैलेंट को दिखाने वाले हैं। बीवी कब होंगे? अपना एक्सपीरियंस बताएं। तो मुझे यही कहना है कि फिल्म से ना टीवी से ना थिएटर से, क्या बात है, फिल्म से ना टीवी से ना थिएटर से, ना कुछ भी ठिकाने से, दिल बहलता है मेरा वेब सीरीज नामी। ऐसे गाने से आपकी आंखें कोई भी वायरल हो रहे हैं की क्या तो वेब सीरीज में जो लोग जुड़े हैं खासकर सोशल मीडिया के वाले मुझे बता रहे थे, ये अभी अमेरिका जाकर रहे हैं, पता नहीं किसने बुलाया थे इनको और पता नहीं कौन था जिसने भेज दिया वापस, तो वापस आ गए गौरव शर्मा कर भी। ये बता रहे कि अमेरिका में आप वेब सीरीज का इतना क्रेज है कि हर आदमी वेब सीरीज का दीवाना हो गया है, हाथ में उंगलियों पर वेब सीरीज आ गया है, मतलब सोशल मीडिया जो है आपके सोशल लाइफ में आ चुका है, तो उसी लिए मैं शेयर करना चाहूंगा यहाँ पर से युवा पीढ़ी उनको समर्पित करता हूँ सभी के लिए, युवा पीढ़ी नाम लेके मैं लपेट दे रहा हूँ कि दरवाजे पे लॉक ना हो, दरवाजे पे लॉक ना हो बाबा, ऐसा मान रहा कि शायर और कवि में अच्छी चीज मुझे पता चली, मेरे गुरु ने बताया कि शायर और कवि में क्या फर्क है, शायर और कवि में क्या फर्क है, मैं पोएट हूं इंग्लिश में पोएट हो जाता, हिंदी में शायर हम शायर है कवि, तो क्या फर्क है? तो बोले जिसकी उर्दू साफ साफ वो शायर और जिसकी हिंदी बहुत खराब वो भी शायर, मैं फंसा नहीं चाहती। तो दरवाजे में लॉक ना हो तो घर लूटने का डर होता है, दरवाजे पे लॉक ना हो तो घर लूटने का डर होता है, और मोबाइल पे लॉक ना हो तो घर टूटने का डर होता है। और फिर उसके बाद हम लोग अपने सोल्यूशन दिए, लेकिन अगर आपको लगता है कि दुनिया के सारे प्रॉब्लम आपके साथ में है और आपको उससे बाहर निकलना है तो ये जरूर देखिएगा, इसका नाम है प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम, सारे ट्रेडर कलाकार है, सबके बारे में सब अपने आप इतिहास है और इनका सबका काम बहुत बढ़िया है, और एक लुक देखिए मुझे ऐसा लग रहा था कि ये अभी तो फिलहाल वेब सीरीज पे आया है लेकिन दो चार एपिसोड के बाद ही ये प्राइम चैनल पे आ जाएगा और बहुत ही। हेलो एवरीवन, मैं सैयद शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ मुंबई रफ्तार न्यूज़ पर, और आज हमारे साथ है उपासना सिंह। कपिल शर्मा के बाद अब बहुत जल्द वो नजर आने वाली है एक वेब सीरीज में, प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। आइए जानते हैं उनसे कि किस तरीके का किरदार निभाने वाली है। हेलो उपासना। हेलो जी। आपसे जानना चाहेंगे कि प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम ये आप वेब सीरीज है, एक कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस, किस तरीके का किरदार आप निभा रहे हैं? जैसा आपको टाइटल से ही लगता होगा ये कॉमेडी है, और इस सीरियल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैं हूँ। क्या है कि मुझे सुनाई नहीं देता है, लेकिन मैं इस बात को एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहती कि मुझे सुनाई नहीं देता है, और उससे कई तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट होती रहती हैं। मेरे हस्बैंड भी मुझसे तंग है, मेरे पड़ोसी मुझसे तंग है, जो घर में आ जाता है उसको भी मैं परेशान कर देती हूँ। तो बहुत ही मज़ेदार कॉन्सेप्ट के साथ है,
तो देखिए बाकी तो ऑडियंस पे है कि वो उसे कितना लाइक करती है या नहीं, लेकिन इसके साथ जितने भी एक्टर्स जुड़े हुए हैं, जैसे हेमंत पांडे जी हैं, उनको बहुत एक्सपीरियंस है, ऑफिस ऑफिस में आपने उनको देखा होगा कितनी अच्छी कॉमेडी उन्होंने बहुत सारी फिल्मों में भी की है। फिर उदय दहिया जी हैं, वो भी कॉमेडियन हैं बहुत अच्छे। जयशंकर त्रिपाठी जी हैं, उन्होंने भी काफ़ी सीरियल्स किए हैं, मैंने भी किए। तो ये जो टीम है ये बहुत ही अच्छी टीम है एक्टर्स की। तो और बाकी अभी तो स्टार्ट हुआ है और इसमें अलग अलग तरह के चीज़ें आएंगी, अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स होंगी, फिर उन्हें सॉल्यूशन होगा। मतलब ये इसे एक एंटरटेनमेंट की तरह आप देख सकते हैं। बात करें अगर इसके जो टाइटल है उसकी, तो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम काफ़ी ट्रिकी सा नाम है, इसके बारे में जानना चाहिए। देखिए आजकल ज़िंदगी में हर आदमी की लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। तो वो हम लोग एक हमारे जैसे मैरिज ब्यूरो होता है, ऐसे हम लोग एक प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन के लिए एक अपना एक ब्यूरो खोला है। तो वहाँ पे लोग अपनी अलग अलग तरह की, कोई शादी किसी की नहीं हो रही तो वो आ जाता है, किसी की गर्लफ्रेंड उसे तंग करती है, कोई बीवी से तलाक लेना चाहता है, किसी कोई पड़ोसी से परेशान है, तो वो अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स लेके हमारे पास आता है। हम उनको सॉल्यूशन की बजाय कई बार और बिगाड़ देते हैं, तो उसका नाम ही लोग प्रॉब्लम लेके आते हैं। हम बोलते हैं नो प्रॉब्लम, हम सॉल्यूशन कर देंगे, इसकी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, पैसे वैसे भी ले लेते हैं। और उसके बाद उस आदमी का क्या हाल होता है वो अलग अलग वो सीरीज में दिखाया जाएगा। उपासना, अगर बात करें हम वेब सीरीज की, तो टीवी पर तो काफ़ी कॉम्पिटिशन्स होते ही हैं, लेकिन अगर हम बात करें वेब सीरीज की तो आजकल उसमें भी काफ़ी कॉम्पिटिशन्स होने लग गया है, तो क्या अलग देखने मिलेगा इसको? कॉमेडी की तरह ही आप ले सकते हैं। देखिए वेब सीरीज में मैंने तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखी हैं जो कि बहुत चीप हैं, बहुत वल्गर हैं, गंदी गालियां हैं उनमें, और आजकल तो फिल्में भी बहुत सारी ऐसी चीप बनने लग गई हैं। तो इसमें ऐसी चीपनेस नहीं है, आप अगर अपनी फैमिली के साथ भी बैठे हो तो आप देख सकते हैं। कई चीज़ें तो लोग आजकल छुपा के देख रहे हैं बच्चे, तो ये छुपाने वाली चीज़ नहीं है, आप अपने पेरेंट्स के साथ अपनी फैमिली के साथ इसे देख सकते हैं। और इसके अलावा भी मैं एक शो कर रही हूँ वेब सीरीज़ के लिए, उसका नाम है फायर द डिज़ायर विद उपासना सिंह। तो उसमें मैं इंटरव्यूज़ होंगी जिसमें कि एक फेमस कोई भी सिंगर होगा या कोई एक्टर होगा, कोई एक फेमस पर्सनालिटी होगी, और एक दूसरा रहेगा जो स्ट्रगल कर रहा है। तो एक स्ट्रगलर और एक फेमस इंसान की इंटरव्यू मैं लूंगी कि किस तरह से उनके अंदर फायर और डिज़ायर है, इसलिए वो अभी तक यहाँ पे है मुंबई में, और वो ज़िंदा रहनी चाहिए तभी इंसान कहीं पहुँच रहा है। वो भी बहुत ही खूबसूरत, अभी मैंने उसको शूट किया है, उसमें ऐसे ऐसे इंसिडेंट्स हैं कि लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे वो सुन के, जो 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 लोग बेचारे स्ट्रगल कर रहे हैं उनकी लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स आई हैं, और जो स्ट्रगल करने के बाद कहीं पहुँचे हैं उनकी ज़िंदगी में क्या हुआ था। तो ये भी एक अलग ही तरह का कुछ मेरा एक्सपीरियंस रहेगा। तो देखिए अभी ये तो ऑडियंस पे डिपेंड करता है कि दर्शक उसे कितना पसंद करते हैं। वैसे मैंने आज तक यही देखा है कि मैंने जो भी काम किया है लोगों ने बहुत प्यार दिया है मुझे। अभी मेरी एक फिल्म हिट हुई है ये कैरी ऑन जट्टा पार्ट 2, और पंजाब की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से मानी जा रही है। तो ऐसे इंसिडेंट्स मेरे साथ इतने हो चुके हैं मेरी लाइफ में, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने दर्शकों की जो इतना प्यार मुझे देते हैं, और भगवान की। ओके, आपसे जानना चाहेंगे, जैसे कि आपने पंजाबी फिल्म की बात कर दी है अपने, तो उसका एक्सपीरियंस कैसा था, कितना मज़ा आया उसको शूट करने में, कहाँ कहाँ शूट किया? हमने चंडीगढ़ के पास ही सारी शूटिंग तकरीबन की है। पंजाबी फिल्में तो मेरे लिए, मेरी तो मदर टंग है पंजाबी, और पंजाब जाना तो मुझे ऐसे लगता है जैसे मैं अपने घर पहुँच गई हूँ। और एक टाइम ऐसा रहा है कि पंजाबी की जो नंबर वन हीरोइन थी वो मैं ही थी, तो मैंने उसमें हीरोइन के भी बहुत सारे रोल्स किए, जैसे गुरदास मान जी के साथ भी मेरी फिल्म बड़ी हिट रही सूबेदार, फिर मेरी बदला जट्टी दा गुगू गिल के साथ, उसमें मेरी मैंने बहुत फिल्में हिट फिल्में थी, लेकिन बीच में एक गैप आ गया था 5-6 साल का जब मैंने पंजाबी फिल्म्स नहीं की, तब बहुत चीप और वल्गर फिल्में बनने लगी थी। लेकिन फिर मैंने दोबारा जब स्टार्ट किया कैरेक्टर रोल्स में, तो वो फिल्म थी जाट एंड जूलियट, वो भी बहुत बड़ी हिट है पंजाब की, बहुत बड़ी हिट। फिर मैंने वहाँ बहुत अवार्ड्स लिए, जैसे डिस्को सिंह मेरी बहुत हिट रही, और बहुत सारी फिल्मों में मैंने काम किया। तो अभी ये तो लेटेस्ट हिट है, और मैं और फिल्में भी कर रही हूँ वहाँ, बधाइयाँ जी बधाइयाँ। और मैं खुद भी एक फिल्म प्रोड्यूस कर रही हूँ पंजाबी बहुत ज़्यादा।
तो कुछ जानना चाहे कुछ बताना चाहेंगी ऑडियंस से, वो जो फिल्म आप प्रोड्यूस करने वाली हैं उसके बारे में हमें कुछ शेयर करना चाहेंगे? ये भी कॉमेडी फिल्म रहेगी, क्योंकि मैं अपनी मदर के नाम से हम लोगों ने बैनर रजिस्टर कराया है, संतोष क्रिएशंस प्राइवेट लिमिटेड, और इसके डायरेक्टर शायद समीप जी ही रहे, क्योंकि उन्होंने मुझे बोला है वो इस फिल्म को डायरेक्ट करेंगे, और कॉमेडी फिल्म है। और मैं लाइफ में अगर हिंदी फिल्म भी बनाऊं या मैं सीरियल भी बनाऊं या कुछ भी, तो मैं ट्राई करूंगी कि मैं लोगों को हंसाऊं, क्योंकि मुझे लगता है कि दुनिया में ऑलरेडी इतनी टेंशन हैं, तो उसमें हम रोना धोना और दिखाएं और लोगों को तंग करें, दुखी करें, इससे अच्छा मैं चाहती हूँ कि मैं जब भी कोई काम करूँ तो मैं लोगों के फेस पर स्माइल लेकर आऊँ। तो मेरी ये फिल्म भी जो है वो कॉमेडी फिल्म रहेगी, और जो भी मैं आगे प्लान कर रही हूँ वो भी कॉमेडी है। ओके, उपासना चाहते चाहते जानना चाहेंगे कि ईद आ रही है बहुत जल्द, तो किसी स्पेशल अंदाज में फैंस को ईद विश करना चाहेंगे आप? देखो जी, ये 22 ईयर ओल्ड हॉट सेक्सी और ग्लैमरस लड़की आपको बहुत बहुत ईद मुबारक बोल रही है, ईद मुबारक। मुंबई रफ्तार न्यूज की खबरें पसंद आने पर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।